नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर देश के सभी बच्चों को संबोधित करते हुए एक बेहतरीन संदेश दिया है, वो आपको सुनवाते हैं। मैं बच्चों को केवल इतना कहना चाहता हूं, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, क्योंकि यदि केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, केवल खेलते खेलते रह जाएंगे तो पढ़ाई पिछड़ जाएंगे। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है, और आपके पास समय है, उसका सदुपयोग आपको करना है। प्रातःकाल उठकर पढ़ाई करें, घर में माता पिता सहयोग करें, स्कूल जाएं, शाम को आए, या सुबह भी खेलें, शाम को थोड़ा सा खेल, सुबह शाम दोनों समय आपको खेल के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन खेल के लिए समय निश्चित करें। एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र को आप याद रखें। मंत्र ये है, ये जानना जरूरी है और इसमें नियंत्रण रखना जरूरी है, मुंह में क्या डाल रहे हैं और मुंह से क्या निकाल रहे हैं। इसका मतलब समझे आप? मतलब मुंह में डालने का मतलब ये भोजन आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, मुंह से निकाल क्या रहे हैं, मतलब बोल क्या रहे हैं। यदि आप मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके प्रति भी सामने वाला अपशब्द का प्रयोग करेगा, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो जाए, तनाव में आ जाए। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए मुंह में क्या डालना है और मुंह से क्या निकालना है, ये इन दोनों बातों की यदि आपने साध लिया तो जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। मैं बच्चों को केवल इतना कहना चाहता हूं। और आज भगवान बिरसा मुंडे का जन्मदिन मनाया गया, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, कहा कि मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। धरती के आबा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वहीं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाएंगे। पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। का सम्मान संपूर्ण जनजाति समाज का सम्मान है। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, पंचा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं जितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए, ये उनका सम्मान है। के मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा भगवान मुठवा बाबा आले मामा जी, खूब खूब भला रखी। हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं
जिनके सहयोग के कारण जंगल बचे हैं, वन्य प्राणी बचे हैं, हमारा शहडोल संभाग अगर देखें तो पूरा विंध्य भी, यहाँ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जनता ने बलिदान भी दिया है, मैं उनका आभारी तो हूँ ही। वन्य प्राणी बच रहे हैं ये जरूरी भी है, क्योंकि प्रकृति में संतुलन रहना चाहिए, धरती सबके लिए है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कभी कभी, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन वन्य प्राणियों के हमले के कारण कुछ भाई और बहन अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। हाथी भी अब हमारे प्रदेश में हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, उसके लिए जागरूकता अभियान और बाकी सारी चीज़ें तो चलाएंगे ही, लेकिन भगवान ना करे कभी वन्य प्राणी के हमले में किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को, उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है, घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम और बेहतर करेंगे। वन्य प्राणियों के कारण, हाथियों के कारण भी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। हमने प्रावधान किया है कि सिंचित फसलों में अगर 50% से ज़्यादा नुकसान वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के सभी पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इंदौर की ख्याति की चर्चा की है। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमले कर दिए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। इंदौर की ख्याति अब विश्वव्यापी हो गई है, हम सब के लिए ये गर्व की बात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंदौर का प्रभारी मंत्री होने के भी नाते मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसको हुनर नहीं कहते हैं हुजूर, लालच कहते हैं, और जिन जिन को इनने लालच दी है ना, वहां वहां क्या स्थिति है आप देख लो। और केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जिसका, वो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी समस्याएं छोड़कर पूरे देश के प्रदेशों की समस्या को सॉल्व करने का समाधान है, खुद के प्रदेश की समस्या सॉल्व करने का उसके पास में कोई भी समाधान नहीं है। आज दिल्ली की पूरी जनता उन्हें जम के कोस रही है, पहले अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति उन्होंने दिल्ली की कर दी है, बिजली का झांसा, पानी का झांसा देकर जो ये भ्रमजाल फैलाते हैं और अपनी नाकामी छुपाते हैं, ये सारे देश की जनता अब अच्छी तरह से समझ गई। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये, क्या ISI से रिचार्ज करा देंगे? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है, और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल्ली भागवत जी ने कहा है कि हम सबका DNA एक है, उन्होंने
चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हमारे द्वीप जो बने उनके सबका कहा कि हम सबका पूर्व का डीएनए एक है, बस वो कहा नहीं कि इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। पांच लोग उसमें जो गार्ड तैनात थे वो पांचों के पांचों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो गाड़ी ट्रेस हुई है उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके रूट को ट्रैक कर रहे हैं, उसके नंबर जो वहाँ पर उस समय के फ़ोन किए हैं वो भी किए जा रहे हैं। एक चार का पूरा गार्ड सस्पेंड कर दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का आत्मविश्वास दिखाते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया है। दरअसल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और सारंग ने कहा कि यहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। भाजपा गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर आएगी और जीत का परचम लहराएगी। लगातार बनासकांठा जिले मैं प्रवास कर रहा हूं और गुजरात में पूरी तरह चौधरी विपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुजरात खड़ा हुआ है और आज पूरे देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार का जो फॉर्मूला इस देश में बहुत सफल रहा है, तो गुजरात की जनता ने पुनः मन बनाया है कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हर जगह कमल है, हर जगह नरेंद्र मोदी का जलवा है और मैं देख रहा हूं कि 150 से और जबलपुर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आज जबलपुर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू की प्रदेश में ये पहली यात्रा है और राष्ट्रपति लालपुर शहडोल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किए गए जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश की यात्रा पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की राजधानी रांची से भारतीय वायुसेना के विमान के द्वारा डुमना विमानतल आगमन हुआ और इस विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आगवानी की है। डुमना विमानतल पर राष्ट्रपति का स्वागत जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री समेत कई दिग्गज लोगों ने की है। और पेटलावत से खबर है जहां पर रायपुरिया में 4 दिन से लापता मोहनकोट निवासी युवक जावरा मिल चुका है। पुलिस इसे लेकर रायपुरिया पहुंची है। शुक्रवार के गांव में आपको बता दें कि मोहनकोट के रहने वाले अशोक कुमार प्रजापति नाम के इस युवक के लापता होने की खबर सामने आई थी। गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इसके बाद से ही पुलिस लगातार इस युवक की तलाश कर रही थी और बताया जा रहा है कि आज इस लापता युवक अशोक कुमार प्रजापति को रतलाम जिले से पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस रायपुरिया थाने पर रात ही में लेकर इसे पहुंची है। फिलहाल युवक के लापता होने का कारण स्पष्ट नहीं है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ले गया था मैं वहाँ जिस आदमी से, उस आदमी नहीं मिला, उसने पेमेंट नहीं दिया मेरे, और मेरे को लोगों को पेमेंट देना था तो मैं कहाँ से देता, इसलिए मेरा दिमाग संतुलन बिगड़ गया, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। कहाँ गए थे आप पेमेंट लेने? रतलाम गया था। किस चीज का पेमेंट आपको, किससे लेना? मांग रहा था मैं उसमें। क्या नाम है वो व्यक्ति? का नाम पता होता तो मैंने चला जाता उसे मिलने के घर पे। उसने बोला था अतला मिल जाएंगे। पैसा किस बात का था? दिया था मैंने उसको उधार। तो आपको नाम नहीं पता, उधार दिया? बहुत। दिनांक 12/11/22 को सुबह करीबन 11:30 बजे अशोक प्रजापति निवासी मोहनकोट के अपने घर से पैसे लेने का बोल के निकले थे, जो रतलाम का कहकर निकले थे, मगर आए नहीं थे। उसे उनकी पत्नी आई रिपोर्ट करने, प्रजापति उनके द्वारा बताया गया था। तुरंत एक्शन लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की
और उनके मोबाइल वगैरह सर्चिंग पे डाले गए। फिर दूसरे दिन उनकी मोटरसाइकिल रानीसिंह माही नदी किनारे मिली, तो थोड़ा सेंसिटिव मामला लगा, तो तुरंत एसपी साहब को अवगत कराया, जिनके द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए टीम बनाई गई, जिसमें साइबर टीम और गोताखोर वगैरह ये सब अलर्ट किए गए और पूरा फोर्स। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने और किन विषयों पर बात कही वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है, स्पष्ट तो बोला उन्होंने, तो बगल में उनके साथी बैठे थे राहुल गांधी के गुरु, वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना फलीभूत होता दिख रहा है उन्हें, ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और नाम भारत जोड़ो दिया है। दिल्ली के जो आफ्ताब वाला मामला वैसे आया है श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करके फ्रिज में रखने का, बड़ी लोमहर्षक घटना है, पीड़ादायी घटना है, विचलित कर देने वाला प्रसंग है। इतने विचलित होने प्रसंग पर भी आपने कहीं आफताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा, आप अंदाज कर दीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? नहीं। जो असहिष्णु गैंग थी एक पहले, वो कहीं बोली क्या? ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे, और बड़े क्रूरता के साथ में उसकी हत्या की है। ऐसे हत्यारों को तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। देखो राहुल गांधी जी, मैंने अभी जैसे बोला था, बहुमत हमको मिलने वाला था, वो जाएंगे तो दो तिहाई पे पहुंच जाएंगे। जितना भाजपा को योगेंद्र यादव जी उनकी पदयात्रा में साथ चल के आ रहे हैं, तो इनमें विद्वता का पैरामीटर भी लगाया होगा ना उनमें। कमलनाथ जी जब जब बोलते हैं ना, तब तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में, जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था, तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं, ये निपटा के मानेंगे कांग्रेस को। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना, कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त हैं मेरे, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वर्तमान में, उनका इशारा उस ओर रहा होगा। जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो जनजाति वर्ग से आती थी, देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिल रहा था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजाति वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं उन्हीं के वोटों पर हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसका ये समर्थन करते हो। हर बात का विरोध करते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी, और यही कारण है कि कभी पिछले 20 साल में इन्हें हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले। 20 साल हो गए, जल जंगल जमीनों और संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अगर हक मिल जाता है उन्हें, तो ये प्रसन्नता की बात है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन गौरव का दिन है। महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब के बीच में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, पूरा प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले आरक्षकों की भर्ती में 6000 पुलिस आरक्षकों की परीक्षा और परिणाम आ चुके हैं।
फिजिकल का कुछ टेस्ट रह गया है, वो 6,000 की भर्ती हो गई है और आने वाले दिनों में हम 7,500 और आरक्षकों की भर्ती प्रारंभ करने वाले हैं। और पेटलावद में मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडे की जयंती को जनजातीय समुदाय के द्वारा कौरव दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे, जिसमें महिला और पुरुष समेत कई बच्चे भी अलग अलग वेशभूषा पहने हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीर कमान ताने हुए ढोल और मादल के लेकर यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय महावीर महाविद्यालय से शुरू होकर नगर के प्रमुख चौराहों तक होते हुए उदय गार्डन पहुंची थी। इस दौरान अलग अलग मंचों के बैनर तले निकाला गया ये चल समारोह का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले भी पुष्प वर्षा कर निकाल रहे इस समारोह का स्वागत सत्कार किया गया। आज नो कार्यक्रम हमारे जनजाति गौरव दिवस नो कार्यक्रम थो, जो भगवान बिरसा मुंडा नी जयंती ना ऊपर हमें जो मनायो, यो कार्यक्रम हमारे जनजाति समाज ने ऊपर जो हमारी संस्कृति, जो हमारे इस समाज के ऊपर जो समाज ने काम किया, उसके लिए गौरव की बात है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो अंग्रेज लोगों को अपने देश से भगाए, उनका पूरा सहयोग हम। जो आज का कार्यक्रम था जनजाति विकास मंच के दिनोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, पर इसमें सभी गांव से जो लोग आए ना, वो अपने खुद के खर्चे से आए, खुद के खर्चे से आए, अपने निजी पैसे से आए। और जो जनजाति गौरव दिवस जो हमारी जनजाति आदिवासी समाज है, और आपको बता दें कि दुष्कर्म का विरोध करने पर एक महिला को छत से नीचे फेंकने और उसके पति की हत्या करने वाले इस आरोपी को 19 महीने बाद न्यायालय ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पन्ना से मजदूरी करने आए दंपति वारदात का शिकार हुए थे और पुलिस ने भी इस मामले में चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया था। और आपको बता दें कि इसमें आरोपी किसी भी तरह बचने न पाए, इसकी भी पूरी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पन्ना जिले से मजदूरी करने रीवा आए दंपति 19 महीने पहले गंभीर वारदात का शिकार हुए। दुष्कर्म का विरोध करने पर इस महिला को उसी की छत से नीचे फेंक दिया गया, जबकि पति पर चाकू से कई बार वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुए इस जघन्य अपराध में न्यायालय ने इस आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 18/21 को रात करीब 1-2 बजे के बीच मृतक और उसकी पत्नी, ये दोनों रात 9 बजे खाना खाकर रंजन गुप्ता के मकान की छत पर सो रहे थे। ये दोनों जो है मजदूरी करने बाहर से कहीं आए थे। अचानक आरोपी अभिषेक पाठक और एक साथ में बाल अपचारी जो है, ये दोनों छत पे चढ़े और बलात्संग करने के आशय के से इसके साथ प्रयास किए और मृतक जब जग गया तो मृतक के साथ मारपीट किए और चाकू से उसके पेट और सीने में मारा और उसको नीचे धोख ढीले से गिर पड़ नीचे। और शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित स्टेट बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बैंक का लॉकर तोड़ने में ये बदमाश असफल रहे हैं, लेकिन बैंक के अंदर रखे हुए 3 कंप्यूटर्स को ये चोर ले उड़े। बता दें आपको कि रविवार की रात की घटना बताई जा रही है, जब करीब 2 बजे ये नकाबपोश चोर इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे। इसकी जानकारी सोमवार सुबह पुलिस ने दी और मौके पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे हैं। मामले को संज्ञान में लिया गया, हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है इस फुटेज को। और बताया जा रहा है कि चोरों ने बैंक का लॉकर तोड़ने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसी के चलते लॉकर में रखे पैसे चोरों के हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल बैंक में रखे हुए 3 कंप्यूटर पर जरूर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है और घटनास्थल की जाँच की जा रही है। एक चोर, दो लोग मुंह बांध करके 2:05 से 6 मिनट के बीच में अंदर गए हैं और वहाँ का लगे हुए ताले तोड़े हैं। उसमें 3 कंप्यूटर सेट चोरों ने कर लिया है और सुबह जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ पर तत्काल फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड
फोटोग्राफी का साइबर सेल पर ले जाकर वहाँ जांच की, FIR कायम कर ली गई है। विवेचना के सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ कैश नहीं जा पाया, कैश नहीं जा पाया। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।